आगामी 3 महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ एवं दुर्ग शहर सरकार में कांग्रेस पार्टी काबिज है, जो बीते 4 सालों से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य करने का दावा कर रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का, छत्तीसगढ़ में चहुमुखी विकास होने की बात की जा रही है। विकास कार्यो को लेकर सरकार कितनी सफल रही है, इसे समझने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज लगातार सरकार के पदों पर काबिज प्रभारियों से बात कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य एवं सफाई प्रभारी हमिद खोखर से ग्रैंड एशियन की टीम ने बात की। हमिद खोखर ने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज को कुछ इस तरह से बताया। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमिद खोखर, नगर निगम दुर्ग के स्वास्थ्य MIC प्रभारी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, पिछले बीते हुए करीब 3 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है उसमें, और आने वाले वक्त में इनका किस प्रकार का विजन होगा। सबसे पहले हमिद खोखर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे पहले ये बताएंगे किस प्रकार का विजन होगा और क्या कार्य को आप लोगों ने प्राथमिकता दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लेने आया है। मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमारा 4 साल कंप्लीट होने वाला है नगर निगम के शहर सरकार का, और आप और हम और हमारे शहरवासी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि लगातार शहर में अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे हमारे गौठान की बात हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, क्योंकि स्वच्छता को लेकर हमें विभाग मिला गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का मैं प्रभारी हूँ, तो जब से मैं इस प्रभार को संभाला हूँ, यकीन मानिए लगातार हम लोग बड़े से नया आयाम हम ला रहे हैं। और आपको इस जानकर भी खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे दुर्ग शहर का नंबर 1 आया है, 3 RR अभी आया था, और हमें दिल्ली में अवार्ड भी मिला है इसके लिए। तो जो सेफी कैंसल का काम है, जो साफ़ सफाई में जो कचरे रोज़ प्रतिदिन जो 100 से 125 टन कचरे निकलते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है। तो उस चुनौती को हम लगे हैं कि हम उसको बेहतर तरीके से हम करें, कि पृथक पृथक उसको हम साफ़ सफाई से अलग करें। जो रिसाइकल वाली चीज़ है जो निकलती है, उसे हम रिसाइकल में दे दें। जो रबड़ और अन्य सामान निकलते हैं उसको हम बंडल बांध के हम पावर प्लांट में दे रहे हैं। जो हरी सब्जियां हैं या अन्य ऐसे पत्तियां हैं, इसे हम खाद बना रहे हैं। उसके बाद जो मिट्टी पत्थर निकल जाता है, उससे लैंड फिलिंग का काम कर रहे हैं। तो लगातार हमारी शहर सरकार बेहतर काम कर रही है। राज्य शासन को लगभग 4.5 साल पूरा हो चुका है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या विकास कर हुआ है? देखिए, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम के डंका बज रहा है। आपको और हमको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, यकीनन एक से बढ़कर एक अच्छे काम कर रहे हैं। आज 4.5 साल हो गए हैं और इतने अनगिनत अच्छे काम। अब शहर सरकार में देख लीजिए आप, सबसे बड़ी समस्याएं होती थी बिजली बिल की। जब बिजली बिल के पास जब घर में आता था और घर की महिलाएं जब बिजली बिल देखती थी तो सर में निशान आया था टेंशन का, इतना बिल। हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने बिजली बिल आधा कर दिया, आज खुशहाली आ गई उस परिवार में। BPL भाजपा सरकार जब थी 15 साल तक तो BPL जो है कार्ड बस चलता था, APL जो आम जनमानस है और लोगों को भी APL राशन लगता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता लगती है, आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता लगती है। तो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से APL कार्ड भी चालू हो गया है। नरवा गरवा गरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी आज देख लीजिए, जाऊँ गौ माता की इतनी अच्छी सेवा हो रही। गौठान इतने अच्छे से संचालित हो रहा है। गौठान पूरे छत्तीसगढ़ में जो संचालित हो रहा है, हजारों की तादाद में हमारी बहनों को रोज़गार मिला है उससे। वहाँ जो गोबर खरीदी हो रही है उससे खाद बनाना, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ बनाई जा रही है। वहाँ बकरी पालन हो रहा है, वहाँ मुर्गी पालन हो रहा है, वहाँ और अन्य सब्जी भाजी लगाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम किया जा रहा है। और सबसे मेन जो रीज़न है गौ माता की सेवा, वो अगर कहीं सच्चे दिल से अगर कोई कर रही है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे गौ सेवक वाली बात है, तो हम सभी लोग मिलकर ना एक एक महीने का चारा और हर चीज़ें भी इकट्ठा करके हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं। एक निगम के लिए सफाई का जो विभाग होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, गली में और हर मोहल्ले में सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी सरकार आने के बाद किस प्रकार से उसमें विकास कर क्या किया गया? देखिए, साफ़ सफाई एक आवश्यक सेवा है, आपको पता है, ये प्रतिदिन वाली बात है। मैं जब से शपथ लिया हूँ, यकीन मानिए आप, चाहे हाथ ठेले की बात हो, चाहे ई रिक्शे की बात हो,
चाहे जो हमारी MCC की बहनें हैं जो घर घर जाके कचरा इकट्ठे करती हैं, उनके रिक्शों की बात हो, हम लोग आज तक लगातार जो है खरीदी करते आए। जैसे पहले नाली में झाड़ के कचरे को डाल दिया जाता था, तो हम लोगों ने एक ऐसा डब्बा मंगवाया जिसमें वो झाड़ू झाड़ती और डब्बे के अंदर डालती है, तो नाली में जाने से भी कचरा बच गया। तो इस तरह से नया नया अमुकचुक परिवर्तन लाया। गाड़ियाँ नहीं थी डोर टू डोर ले जाने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा लगातार हम लोग टाटा एस है, ई रिक्शा है खरीदी, अभी और दुर्ग नगर निगम में भी 27 टाटा एस आ गई है। तो अंतिम छोर तक के हम कचरा साफ करके स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा हमारा शहर करने के लिए हम एक प्रक्रम एक जो कल्पना कर रहे हैं उस पर हम साकार होते जा रहे हैं। तो लगातार हम लोग शहर सरकार में हम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे महापौर जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम हम कर रहे हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड हमेशा विवादों में रहा है। देखिए ट्रेचिंग ग्राउंड की जहाँ तक बात है, आपको और हमको पता है 20 साल शहर में भाजपा की सरकार रही, शहर सरकार, और उन्होंने जो है लगातार जो है इकट्ठा किया कचरा, 100-125 टन प्रतिदिन निकलना और ले जाके फेंक देना। हमारी जब कांग्रेस की सरकार रही है, अभी 5 करोड़ का ठेका हुआ है उसका, और पूरा ट्रेचिंग ग्राउंड को साफ किया जा रहा है। आप देखना महीना 2 महीने के अंदर में ट्रेचिंग ग्राउंड में एकदम पार्क सुंदर पेड़ लग जाएंगे, और पूरा एरिया क्लियर हो गया है। जिस एरिया में ट्रेचिंग ग्राउंड था उस एरिया के पार्षद चंदनिया जी है, और वहाँ के लोग बहुत खुशियों से मतलब खुशियों से धन्यवाद देने आए थे हमारे विधायक जी को, हमारे महापौर जी को, कि आपने आपके कार्यकाल में जो है हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम की है, बहुत बड़ा कचरा हम उसको साफ किए। और आने वाली हमारी योजनाएं हैं कि जो प्रतिदिन जो कचरा निकलता है, तो हम एक ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं कि जिससे रिसाइकल वाला सामान जो हम रिसाइकल में भेज दें, और जो अन्य सामान बचता है उससे हम जो है उसको गैस भी निकलेगी और हम उससे बिजली भी पैदा करेंगे। और बिजली अगर हम पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्ग शहर की जितने भी रास्ते हैं जिसमें रोडों में लाइट लगी रहती है, हाई मार्क्स लगे रहते हैं, अन्य लाइटें लगी रहती है, वार्डों में जो लाइट लगी रहती है, हमारी योजनाएँ हैं कि हम उस लाइट को जो है हम अपनी खुद की बिजली से उनको रोशन करें, और हमारे इससे बिजली बिल भी कम आएगा हमारे निगम में, और खुद के द्वारा बिजली बनाकर हम लोग जो है उस लाइटों को रोशन करना चाहते हैं। हमारा आने वाले समय में प्रोजेक्ट है, और इसकी हम लोगों ने MIC में हमने जल्द हम लोग स्वीकृति ले रहे हैं, इसकी हमारी फाइल चल रही है। तो इस तरह से हम स्वच्छता को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए बरसात का समय है, बरसात के समय में जनित बीमारियाँ आती है, डेंगू और हमारी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अभी सक्रिय हो गई है। वार्डों में जाकर जो है पहले दवाई डाला जा रहा है कूलर में, उसके बाद दूसरे दिन उसको कूलर को साफ कराया जा रहा है कि अगर किसी तरह का कोई कीटाणु डेंगू का या और कुछ अंडे दे दी होगा तो उसको नष्ट किया जाए। हम इस तरह से जहाँ गड्ढे हैं वहाँ दवाई डलवा रहे हैं, इस तरह से हम लगातार अच्छा काम करवा रहे हैं। तो हमारी सरकार जो है जब से हम लोग यहाँ बैठे हैं लगातार हम लोग आपस में आए, हफ्ते 15 दिन में एक मीटिंग भी लेते हैं हमारे विभाग की, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको क्या बेहतर कर सकें, तो हम उसमें लगे हुए हैं जी। आप खुद इस शहर में काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है निगम सरकार में, किस प्रकार से देखते हैं उस कार्यकाल को? देखिए मेरा तीसरा कार्य है लगातार, बहुत अच्छा आपका सवाल है। तीसरा कार्यकाल है, जब हम 2 बार पार्षद थे इसके पहले और सरकार भाजपा की थी, हम स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोए हैं। यहाँ तक कि जो हम कचरा ढोने वाला ठेला है उनको ठेला हम 10 साल में एक ठेला नया नहीं जानते, हम खुद अपने पैसे से उसको रिपेयरिंग करवाते थे। एक बार जो झाड़ू देते थे उसके बाद झाड़ू नहीं मिलती थी, हम खुद खरीद के झाड़ू देते थे साफ़ सफाई के लिए। इतना खून के आंसू रोए और इतना तकलीफ हो, आज आप देख लीजिए जाके आप हमारा सेंटर लबालब भरा है, जिसको ब्लीचिंग चाहिए, जिसको पाउडर चाहिए, जिसको झाड़ू चाहिए, जिसको घमेला चाहिए, जिसको और सामान संसाधन चाहिए, स्वच्छता को लेकर साफ़ सफाई को लेकर हमारे यहाँ पूरा भरा रहता है। हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, शहर सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार पैसे की कोई कमी नहीं कर रही है। आप प्रोजेक्ट लाइए, आप विजन लाइए, आप शहर को स्वच्छता और साफ में बेहतर रखना है उसके लिए आप कार्य योजना बनाइए, आपको जितने करोड़ चाहिए हम देंगे, ये हमारी सरकार बोल रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश है और शहर की जनता भी बहुत खुश है। और अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, अगर वापस से कांग्रेस सरकार शासन में आती है तो आप लोगों का विजन क्या होगा? देखिए वापस तो आना ही है, भूपेश है तो भरोसा है, आपको पता है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उसमें एक किसान से लेकर आम आदमी से लेकर एक व्यापारी से लेकर हर आदमी खुश है। अब देखिए रिपा है, एक रिपा अभी आ रहा है, रिपा में हम लोग और आप लोगों को पता है कि जो हमारे बेरोजगार भाई है जो जिनके पास व्यापार है उनके लिए 10-10 हज़ार 5 हज़ार फीट की जगह दिया जा रहा है, उनको व्यापार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो आने वाली सरकार तो तय है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनना है, 75 पार का जो नारा है वो तय है,
क्योंकि इनके अब देखिए धान की बात ले लीजिए, आज 20 क्विंटल हमारे मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी का ऐलान कर दिया है। मजाक बात है, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य हो बता सके जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार के तरह काम कर रहा हो। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आइडियल सबसे बड़ा अगर कोई नंबर वन हिंदुस्तान में पूरा है तो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम है और भूपेश बघेल जी का नाम है। हमें गर्व होता है, हमें बहुत गर्व होता है कि हम भूपेश बघेल जी के सरकार के कांग्रेस के एक सिपाही है सच्चे, उनके साथ उनके पीछे उनके साथ कदम मिला के चल रहे हैं। हमें गर्व होता है कि एक अच्छे अच्छे फैसले, अभी देखिए आप हमारे यहाँ MCC कर्मचारी है, हमारे यहाँ प्लेसमेंट के कर्मचारी है, हमारे यहाँ और सरकारी कर्मचारी भी है। अभी सरकारी कर्मचारियों को मतलब 4% में बढ़ा दिया गया, हमारे जो प्लेसमेंट कर्मचारी के उनका 4,000 पेमेंट बढ़ गया। आपको पता है अभी हमारे यहाँ पूरे कर्मचारियों में दिवाली मना ली है, इतने खुश हो गए हैं। हमारे पटवारी भाई है उनके 5,000 तनख्वाह बढ़ गई है। तो इस तरह से बड़ा और अच्छे से अच्छा फैसला हमारी कांग्रेस की सरकार ले रही है और ऐसी सरकार जो है छत्तीसगढ़ में ही काम हो रहा है। किसान खुश है, वनवासी खुश है, वनवासी पट्टा देख लीजिए आप। आज हरेली के मामले में लेंगे तो आप पूरा देख लीजिए, प्रदेश में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है और उसे संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। काजू की खेती यहाँ हो रही है, यहाँ अन्य और चीज़ों का सबसे ज़्यादा अगर पूरे देश में अगर जड़ी बूटी और अन्य चीज़ें निकलती तो हमारा प्रदेश है नंबर वन है उसमें। तो एक अच्छे काम हो रहा है, एक अच्छे विजन लेके कर रही है आज, तभी तो पूरे प्रदेश में बोल रहे हैं भूपेश से तो भरोसा है, ऐसे ही थोड़ी बोल रहे। एक आखिरी सवाल, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है बीजेपी, किस प्रकार से देखते हैं आरोपों को? देखिए जहाँ तक बीजेपी की बात है तो जो जैसा काम करती है वैसा बोल रही है। ये 4-4.5 साल तक कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी, अब इनको पता चला है कि अभी सामने चुनाव आने वाला है तो इनको जगा रहे हैं प्रदेश के लोग आके। प्रदेश में जैसे अमित शाह जी आए, इनके पहले और प्रभारी आए, यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है, यहाँ सबको पता है। यहाँ मैं आपको ये मैं इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कांग्रेस पूरा प्रदेश जो है कांग्रेस के लिए समर्पित है। कल चुनाव करा लीजिए, 75 पार मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि हमारी सरकार कांग्रेस की फिर बनेगी। और मैं बता रहा हूँ, ये तो आप बोल रहे हैं हम कांग्रेस के लिए और कांग्रेसी सोच के लिए, भाजपा के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस को वोट देंगे भूपेश बघेल जी का काम देखकर। आज इतना ज़्यादा खुश है, व्यापारी खुश है, आम आदमी खुश है, हर आदमी खुश है जी। कांग्रेस का नारा है जियो और जीने दो। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी देख लीजिए लगातार जो है भ्रष्टाचार जो है भाजपा के लिए, अभी देखिए अभी आप रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं कि इनके द्वारा जो पुराने भ्रष्टाचार किया गया है लगातार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोले और कैसे घेरे, क्योंकि ये एक कदम चलते हैं हमारे भूपेश बघेल की सरकार 10 कदम आगे चलती है। इनकी सोच अच्छी है, ब्राइट, बहुत बड़ी सोच है हमारी कांग्रेस की। और आने वाली सरकार देख लीजिए आप, हर राज्य में अब कांग्रेस की सरकार आने लग गई है। आप देख लीजिए आने वाले समय में हमारे देश में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये आप मान लीजिए बात को, क्योंकि हमारे द्वारा और हमारी कांग्रेस के सरकार के द्वारा लगातार अच्छे काम किए जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम। अब एक बात मैं और आपको बताऊंगा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के, कभी आज तक इतने साल तक भाजपा की सरकार है आपके सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे परिवार के सुरक्षित होने के लिए कभी कोई सोचा? भूपेश बघेल जी ने तो सोचा, आपको प्रोडक्शन दिया और होने वाले आने वाले समय में हो सकता है और बेहतर कुछ अच्छा करके। आप खुश नहीं है क्या मेरे को बताइए? आप भी खुश हैं सरकार को लेकर? आज सरकार एक आम आदमी से लेकर, एक पत्रकार से लेकर, एक व्यापारी से लेकर, एक सरकारी कर्मचारी से लेकर, शिक्षक से, अभी शिक्षक देखो आभार प्रदर्शन किए जाके खुशियाँ मना रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इतनी ज़्यादा मेहनत करती है छोटे छोटे बच्चों को, जो माँ बाप है अपने बच्चे एक है दो बच्चे हैं उनको छोड़ के अपने रोजेड़ मजदूरी करने जाते हैं, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माँ बाप बन के उनको पालते हैं, उनका खिलाना पिलाना सब करती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं वाले भी होली मनाए हैं बीच में, उनकी भी तनख्वाह बढ़ गई है। तो ये कौन कर रहा है? भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। और शहर में आप देख लीजिए, शहर में इतने अच्छे काम हो रहा है। इसके पहले देखिए आप गौरवपथ, अभी इस तरह देख लीजिए आप, इधर से अपने जी रोड में देख लीजिए, यहाँ से लेके अंजोरा तक जाइए आप, शहर परिवेश हो गया है। पहले हम जब भाजपा की सरकार थी तो ये फुलगांव चौक में जाओ उसके बाद ऐसा लगता था हम ग्रामीण में चले गए करके। आज ऐसे बाहर से लोग आ रहे, भिलाई से आ रहे, अन्य प्रदेशों के लोग आ रहे हैं,
आज आते और बोलते यार क्या दुर्ग चमक गया है यार, तो यकीनन इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के योगदान है, भरपूर पैसा भेज रहे हैं और सबसे बड़ी सक्रियता जो है हमारे विधायक जी के और हमारे महापौर जी की है, उनकी एक ऊँची सोच है, अच्छी सोच है कि हमारे शहर को हमको चमकाना है, हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखना है, हमारे शहर के लिए जो बेहतर प्रयास होता जो कम हो सकता है, हमारे विधायक अरुण वोरा जी, हमारे महापौर धीरज बाकलीवाल जी और उनके सरकार के हम सब मंत्री है, हमारे पार्षद है, हमारे एल्डरमैन है, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ठीक है, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो ये थे हमीद खोकर, नगर निगम दुर्ग से MIC प्रभारी हैं, काफ़ी विश्वस्त लगे अपनी निगम सरकार और राज्य सरकार के लिए। आगे भी आने वाले समय में आपको MIC प्रभारियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए ग्रैंड एसी न्यूज़।